हेलो दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं कि एसबीआई क्लर्क का पे स्केल क्या है। आप नॉर्मली ऐसा देखते होंगे, पे स्केल ये लिखा रहता है कि 17,900 से स्टार्ट है, 1000 बाय 3, फिर 20,900, 1230 बाय 3, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। इसका क्या मतलब है समझते हैं। जब आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, जिस दिन आप ज्वाइनिंग करेंगे उस दिन आपको 17,900 रुपये आपकी एक सैलरी होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक सैलरी। ठीक है, दिस इज बेसिक सैलरी। हम सिर्फ बेसिक सैलरी के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी बेसिक सैलरी हो गई। आप जब ज्वाइन करोगे, अब मान लेते हैं फर्स्ट ईयर हो गया आपका नौकरी करने के बाद, तो कितना हो जाएगा, 17,900 तो मिल ही रहा था, प्लस ये 1000 रुपीज आपको मिलेगा, 18,900। फिर सेकेंड ईयर हो जाएगा, वहां कितना हो जाएगा, 18,900 जोर 1000 रुपये और मिल गया आपको, 19,900। ठीक है, थर्ड ईयर आएंगे, क्योंकि तीन साल तक, बाय थ्री का मतलब तीन साल, यह हो जाएगा 19,900 प्लस 1000 रुपये, यह हो जाएगा 20,900 आपकी बेसिक सैलरी हो रही है। ठीक है, पहला साल किया मतलब आफ्टर ये सब लिखे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, पहला साल इतना मिला, सेकेंड साल इतना, यानी आफ्टर फर्स्ट ईयर आप लिखिए। ठीक है, यहाँ पे भी आफ्टर सेकेंड ईयर है, क्योंकि आपको तो एक साल तो नौकरी करोगे, ज्वाइनिंग मतलब फर्स्ट ईयर ही है। ठीक है, जब पहला साल आप ज्वाइन कर रहे हो तो उस समय आपको ये पैसा मिलेगा, एक साल जैसे कंप्लीट हो जाएगा उससे ऐसा मिलेगा, फिर आपको इतना मिलेगा, फिर आपको इतना मिलेगा। बट आप जब आप आओगे फोर्थ ईयर में, आफ्टर फोर्थ ईयर, तीन साल के बाद, अब आप आ गए फोर्थ ईयर में, ठीक है, तो उस केस में अब आपको ये सैलरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ है जैसे कि 20,900 प्लस 1230, समझ मारी बात आपको, ऐसे ऐड करते जाना है आपको, 0, 3, 1, 2, 2। ठीक है, ये आपकी एक सैलरी बन गई। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ऐसे हर समय आपको जाए, फिर मान लीजिए फिफ्थ ईयर में आ गए तो ऐसे आपकी हर साल सैलरी कुछ ना कुछ बढ़ते रहती है। फिर हो जाएगा 22,130 रुपये जोड़ 1230 रुपये, है ना, 1230 रुपये तीन साल, तो ऐसे आप जोड़ लो, सीधा सा है, इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का आपको क्लर्कल सैलरी मिलते जाएगा, और ये बढ़ते जाता है, हर साल बढ़ते जाता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा उतना ही मिलेगा, नहीं, हर साल बढ़ते जाएगा, तभी आपकी ये सारी सैलरी स्लैब में आप आने लगोगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये बेसिक सैलरी है, ना कि फुल सैलरी है। ठीक है, ये फुल सैलरी नहीं है, इसमें फुल सैलरी बहुत पार्ट होता है, डियरनेस अलाउंसेस। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, समझेंगे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग इसके ऊपर भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम फुल सैलरी की बात नहीं कर रहे, अभी हम बेसिक सैलरी की बात, ओके, फुल सैलरी के अलग वीडियो बना के आपको समझाएंगे। तो समझ में आ रहा बात पूरा, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और आखिर में आपकी इतनी सैलरी हो जाएगी, लास्ट जब होंगे ना, जब क्लब में पहुंच जाएंगे लास्ट, फिर इतनी सैलरी हो जाती है आपकी। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो भी आप देख रहे हो ना, ऑब्लिक थ्री, ये डिनोट करता है ईयर, इतने साल तक, और ये डिनोट करता है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट है, और ये ईयर डिनोट करता है, सीधा सा लॉजिक है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप ग्रेजुएट पढ़े हुए हैं और आप एसबीआई में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा है, क्या 2 इंक्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब इसका मतलब अगर मैं एसबीआई में जा रहा हूं तो मेरी सैलरी क्या होनी चाहिए, राइट। अगर आप एसबीआई में आ रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पे सब चीज चेंज हो जाएगा आपका। तो आप जब एसबीआई में आए और एसबीआई में अपने ज्वाइन किया, तो यहाँ कितना बोला, 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, तो 17,900 इंक्रीमेंट कितना है यहाँ पे, 1, 3 साल का 1,000 इंक्रीमेंट है, 1,000 रुपए इंक्रीमेंट जोड़ दो, 1000 प्लस 1000 कितना हो गया, ये आपको ये हो जाएगा आपका 19,900 रुपये। यानी आप जो है सीधा इस सैलरी स्लैब पे ज्वाइन करोगे, ठीक है, यही हो गया अगर आप एसबीआई में ज्वाइन करते हैं तो,
ये एक अलग बनाता है आपको SBI से, बाकी बैंकों में उतना ही रहता, बट SBI में आपको दो इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा है। क्यों है ये दो इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा है? चलिए आई होप आपको समझ में आ गया सारी बातें, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिएगा, फिर भी कुछ डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।